तो क्रेजी विलेन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। नियांग वो सामने से अपना रिवॉर्ड मांगती है, हमारा मेन कैटर भी कहता है मेरे पास रिवॉर्ड है, एक सैंडल निकाल के देता है जो कि सिस्टम का ही एक आइटम यहाँ पे। तो सैंडल की खासियत ये है जिससे नॉर्मली जो भागने की स्पीड है ना वो तेज हो जाएगी और डॉच करने की जो स्पीड है ना वो भी 30% यहाँ पे बढ़ जाएगी। वो कहता है ये लो मेरी ओर से, वो भी कहती छी कितना बेकार सैंडल है, ये मैं नहीं पहनूंगी। हमारा मेन कैटर कहता है एक बार पहन कर देखो, बस पहन के देखो यार एक बार। तो ये भी पहनने लग जाती है, पहनते पहनते कहती बहुत ज़्यादा एक्सपोजिव सैंडल, मैं ऐसा सैंडल नहीं पहनूंगी, मेरे को शर्म यहाँ पे आती है, बहुत ही बेकार है, मैं तो उतार के फेंक दूंगी, बस ट्राई मार रही हूँ। हमारा मैं कहता है लेकिन तुम्हारे ऊपर जच रहा है। तो जैसे ये लाइन सुनती है शर्मा जाती है और कहती बस 2 दिन के लिए पहनूंगी, बाद में पक्का यहाँ पे उतार के फेंक दूंगी। हमारा मैं कहता है कि तुम पहन लो यार, देखना तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगेगा। उतने में क्या बोलते हैं जो शैटू है ना, शैटू नहीं भाई सीनियर, भागते भागते आती है और कहती है जो हवेली मोटर सेट है वो, और साथ ही में जो क्यून फैमिली है ना उनके लीडर लोग, वो लोग चेक करने आए उनके जो डिसाइपल की मौत हुई है ना उसके बारे में पता करने के लिए। हवेली मोटर सेट का भी एक डिसाइपल था वाई, जिसकी जान हमारे मेन कैटर ने निकाली थी, और जो क्यून लेंग नाम का बंदा था जो उसको सपोर्ट कर रहा था वो भी एंड में मर गया था। हाँ तो उन दोनों के लीडर लोग आए पता करने के लिए। हमारे मेन कैटर कहता है कि हम सिकरीम के अंदर ढेर सारे बंदे गए थे, बहुत सारे बंदे लोग की मौत हुई थी, तो आप उनके पास जाओ ना यार, हमारे पास कई को आए हो पता करने के लिए, हमने नहीं मारा आपके डिसाइपल लोग को। ये लोग कहते हैं साले भाई बहुत सारे बंदे गए थे, बहुत सारे बंदे मारे गए, लेकिन जिंदा कुछ ही बंदे वापस आए जिनमें से तुम लोग यहाँ पर हो, तो शायद हो सकता है तुमने यहाँ पे मारा है। हाँ तो भाई बताओ भाई तुमने क्यों मारा है, और तुमको डर नहीं लगता कि हम सब लोग मिलकर तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुमको बर्बाद कर सकते हैं। हमारे मेन कैटर भी कहते नहीं हमारे अलावा भी काफी बंदे जिंदा लौट के आए थे, तुम उनसे ना पूछ कर डरे कि मेरे से पूछ रहे हो, ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मुझे फंसाने के लिए बस जानबूझ के झूठा झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। ये लोग कहते हैं यस ऐसा ही समझ भाई, तेरी इज्जत ही खराब है, तूने इतने बुरे बुरे काम किए ना जो तू पूरी दुनिया में बदनाम यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है कोई तुझे भाव देने वाला नहीं है, सब तेरे ऊपर शक ही करेंगे। जो शर्ट होता है वो भी गुस्सा कहता है भाई तुम दोनों की भाई शर्म नहीं आती क्या, निकलो यहाँ से। तो वो दोनों भी कहते हैं अरे बाप रे तुम्हारे सेट के सारे के सारे डिसाइपल बड़े बदतमीज है, ये हमारे सामने इतनी बदतमीजी किए जा रहे। हवेली डेमोन को भी गुस्सा आता है कि भाई ये दोनों अपनी औकात से बाहर जा रहे, भाई कुछ भी हो जाए यार इन दोनों की कह के ले लो या मुझे जहाँ से मारने दो। हमारा मेन कैटर कहता है शांत हो जाओ 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 शांत हो जाओ। हमारा मेन कैटर उनसे पूछता है सुनो मेरी बात, अगर तुमको पता चल गया कि भाई रियल में मर्डर किसने किया तो तुम क्या करोगे, मिलकर उनको अटैक करोगे, उनको बर्बाद कर दोगे क्या? ये लोग कहता है ऑफकोर्स हमारे डिसाइपल की बंदों की जान निकाली है तो हम बर्बाद यहाँ पे करें, खाली हमारे डिसाइपल की नहीं बल्कि अलग अलग और भी बहुत सारे कल्टिवेटर यहाँ पे थे जिनकी जान ना उस खूनी ने यहाँ पे निकाला, तो हम तो भाई उससे बदला यहाँ पे लेंगे, लेकिन 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 हम उसको जाने भी देंगे अगर उसने हमको अच्छा खासा इनाम या फिर कई सारे कमाल के आइटम यहाँ पे दिए तो। इंशोर्ट हमारे मेन कैटर से इंडायरेक्टली यही कह रहा है कि भाई तुम इनाम हमको दे दो हम तुमको छोड़ देंगे। हमारे मेन कैटर भी मनी मन सोचते कि वेल यार बड़े चलाक लोग हैं, इनको मेरे ऊपर पूरा शक है और कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे निकलवाई है, लेकिन मैं तो अपने आप को बचा सकता हूँ, इसलिए कहते डोंट वरी जो खूनी है ना मैं अभी आपको खूनी के बारे में बताता हूँ, मुझे पता कौन है। तो ये दोनों भी चौंक जाते क्या मतलब कौन है, भाई तू ही है ना, भाई तू ही ना खूनी है, तूने तो मारा है ना। हमारा मेन कैटर कहता मैंने मारा ना, ना यार मैंने नहीं मारा है, मेरी फियोंसे जल्दी से उस खूनी से मिलवाओ। तो जो फियोंसे यहाँ पे थी ना लाश निकालती है, क्यूंग लिंग की लाश यहाँ पे निकालती है। हमारा मेन कैटर भी कहता है क्यूंग लिंग की लाश है जो बहुत पहले मारा जा चुका, लेकिन लाश द्वारा अगर हल्की सी आत्मा यहाँ पे बची रहती है ना तो मेमोरी यहाँ पे पता कर सकते हो, तो जल्दी से मेमोरी पता करो रियल खूनी कौन है ना वो पता यहाँ पे चल जाएगा। देखो जो वाई नाम का डिसाइपल था हवेली मोटर सेट वाले को उसको तो हमारे मेन कैटर ने डायरेक्ट जान से मारा था, लेकिन जो क्यूंग लिंग था उसको हमारे मेन कैटर ने जान से नहीं मारा था। जब लीन शाय मरने के बाद उसकी बूढ़ी के अंदर जब बुढ़ा आ चुका था, बुढ़ा जब सारे बंदों पे अटैक कर रहा था ना उस अटैक के बीच में ये लीन क्यून यहाँ पे मारा गया था, लेकिन देखा जाए तो कहने के हमारे मेन कैटर की वजह से वो मारा कहलाएगा, लेकिन जैसे मेमोरी दिखती मेमोरी में तो यही दिखाई देता है कोई अजीब सा बंदा है, पूरा आग उसकी बॉडी में जली हुई है उसने जला के मारा, तो हमारा मेन कैटर आग लगाता कि सुनो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लिंग शाय है, उसने हम सब पे अटैक कर दिया था, हम लकी थे जो हम बच गए, लेकिन ये लड़का लकी नहीं था जो ये मारा गया, यानी जो मेन गुनेगार है ना वो लिंग शाही है। सिस्टम भी कहता बधाई हो होस्ट यार आपने क्या आग लगाई है और आपने लिंग शाही के खिलाफ इनको भड़का दिया है, तो आपको पॉइंट यहाँ पे मिलता है। फियोंसे भी कहती है आपने क्या बोला था जो रियल खूनी है उसके पीछे पड़ जाओगे उसके पूरा खानदान भी बर्बाद कर दोगे, लिंग शाही रियल खूनी है जाओ उसके पीछे पड़ जाओ बर्बाद कर दो खानदान। तो ये दोनों भी कहते हैं अरे हाँ शुक्रिया हमको बताने के लिए, हाँ अलविदा चाहेंगे बाय, इतना बोल के निकल जाते हैं। हमारा मेन कैटर फियोंसे का शुक्रिया करते हैं कि फियोंसे मेरी जान तुम्हारा शुक्रिया तुम सही टाइम पे इसकी डेड बॉडी लेकर आ गई वरना पता नहीं मेरा क्या हो जाता। जो सुनते वो भी कहती हो ज़्यादा ओवर एक्टिंग मेरे सामने करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, मैंने तेरी जान नहीं बचाई है, मुझे भी है ना ये हवेली मोटर सेट और साथ ही में ये क्वीन फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मेरा काम हो चुका है मैं यहाँ से जाना चाहूँगी। हमारा मेन कैटर कहता है क्या मेरी जान तुम यहाँ से जाना चाहोगी, अरे अभी ना जाओ छोड़ के कि दिन अभी भरा नहीं है, सुनो ना मैं अच्छा खाना बनाता हूँ खा के जाना। ये भी कहती ना 3 दिन बाद वो कॉम्पिटिशन होगा जहाँ पे तू हमें आमने सामने रहेंगे, मार मार के हड्डी पसली तोड़ दूंगी उस दिन, और बाद में
फियोंसे चल जाती है, हमारा मेकअप डबी बैठा हुआ था, मनी मन सोचता हाँ वांग जोंग कॉम्पिटिशन 3 दिन बाद होने वाला है, यहाँ पे भाई मुझे भी फाइट करना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, तो जाके मैं अपने 10,000 डेमोस्ट्रेट और लिंग फैमिली का नाम ये थोड़ा सा मेंटेन कर पाऊंगा, और शेयर टू को भी अपना बदला यहाँ पे लेना है, तो यानी हमको दिन रात दवा के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो शेयर भी टू कहता है आपको मेरे बदले के बारे में याद है क्या, सीनियर फू कहती है दवा की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन बस 3 दिन बचा है, 3 दिन में हम क्या ही कर लेंगे, हमारा मेकअप डबी कहता है डोंट वरी मैंने उसका जुगाड़ कर लिया। तो सिस्टम ने इसको एक रिवॉर्ड यहाँ पे दिया था जिसमें ना एक टावर यहाँ पे था जिसपे 100 फ्लोर है, तुम जितना ज्यादा फ्लोर यहाँ पे पार करोगे तुम्हारी पावर उतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगी। तो अपने सारे बंदे लोग को बुला लेता हूँ, कहता है ये जो टावर है ना ये टावर हेल्प करेगा हमारे कल्टिवेशन के लिए, इसके लिए मेरे पास जो भी बंदे सारे के सारे बंदे आ जाओ, सारे बंदे मतलब जो लुगो थी वो छोटके डेमो थी वो और जो बंदर यहाँ पे था वो बंदर वो सबको बुला लेता है। हाँ तो सीनियर फू ने पहली बार उनको देखा था तो वो भी डाउट में आ जाती है, 3-3 डेमोन आपके साथ यहाँ पर है, मुझे बताओ ये डेमोन हो कौन। तो हमारे मेकअप डबी कहता है एक बंदर यहाँ पर है कोंग जिसका नाम है और एक अपनी लुओ है जो कि इल्यूजन तैयार करती है, रही बात एक छोटी बच्ची है, आई डोंट नो ये छोटी बच्ची कौन है, क्या नाम है, कहाँ से है, क्या क्या इसकी पावर है, बस स्ट्रॉन्ग है इतना तो मुझे पता है और ये कुछ बुरा नुकसान मुझे नहीं पहुँचाती, हमेशा मुझे सपोर्ट करती है तो मेरे साथ ही रहती है और कुछ नहीं। तभी इसका ध्यान जाता है लुओ और जो छोटकी डेमोन है दोनों आपस में खेल रहे हैं जैसे कि एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो हमारा मेकअप डबी पूछता है अच्छा लुओ तुम जानती हो क्या इसको, तो वो भी कहती है कि हाँ मैंने बोला ना मैं 2nd फ्लोर पे थी और ये 9वें फ्लोर पे थी और मैं तो 2nd फ्लोर से कभी निकल नहीं पाती थी लेकिन आई डोंट नो कैसे ये निकल जाती थी, वो निकल के हमेशा आती थी और कहती थी चलो खेलो, मैं मना करती तो मेरे को टॉर्चर करती, मेरे को बड़ी मारती, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ना चाह के भी ना मुझे इसके साथ यहाँ पे खेलना ही पड़ता और हमेशा मैं खुश रखती, मैं जो इतनी कमाल की डेमन हूँ जो इतना कमाल के इल्यूजन यहाँ पे बनाती, एक छोटी बच्ची मेरी कह के लेती और मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाती। तो हमारा मेकअप डबी कहता वाह छोड़ के तूने तो इसकी भी कह के ले ली, वो भी कहती यस मैंने ले ली। और तभी मतलब इटली है ना वो जो शर्ट होता वो भी कहता संभल के लगता कुछ तो आने वाला है, तो बाकी सभी डर जाते हैं भाई क्या हुआ कौन आने वाला है। तो जो डेमोनिक पीक यहाँ पे थे ना डेमोनिक सुअर वो लोग यहाँ पे आते हैं, जो देख कर लोग कहते हैं माय गॉड ये तो डेमोनिक सुअर है, हमने तो सुना था भाई बहुत साल पहले इनका खत्म हो गया, एक भी सुअर ऐसा जिंदा नहीं है, तो ये सुअर भाई ये सुअर यहाँ पे कैसे आ गया। जो बंदर है ना बंदर कहता सुनो मेरी बात, अगर आपने परमिशन दे दी ना मालिक भाई एक ही बार मैं सारे सुअरों को मार सकता हूँ, मारूँ क्या। हमारा मेकअप कहता चुप हो जाए तू नहीं मारेगा, तो बंदर भी लगे यार कभी तो मारने का लड़ाई करने का मौका दो। हमारा मेकअप सीनियर फू और शायद टू से कहता है भाई तुम लोग जाओ तुम लोग फाइट करो, तो वो दोनों भी अपना वेपन अटैक वगैरह तैयार करते हैं और लड़ाई करने लग जाते हैं सुअरों के साथ। और तभी अपनी हवेली डेमोन हमारे मेकअप डबी से कहते सुनो भाई चाहे तो तुम एक बार भी मार सकते थे, मैं भी एक बार में मार सकती थी लेकिन तुमने सीनियर फू और शायद टू को कहीं को भेजा। हमारा मेकअप डबी कहते क्योंकि इस टावर पर हम लोग आए भाई अपना कल्टिवेशन इंप्रूव करने के लिए, और कल्टिवेशन इंप्रूव करने का सबसे सिंपल तरीका जितना ज्यादा लड़ाई करोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा पावर उतना ही ज्यादा तुम्हारे इंप्रूव यहाँ पर होगा, इसके लिए समझ भी रहे हो क्या। मैंने उसको यहाँ पे बुला लिया और सामने से फाइट यहाँ पे करेंगे तो दोनों के इंप्रूवमेंट यहाँ पर होगा। यार हमारी जो सीनियर फू है ना उसको कभी नीचे नहीं रहना, उनको हमेशा आगे बढ़ना है, लेकिन वो भी एक विलन कैटेगरी में आती है शायद टू, वो भी एक विलन कैटेगरी में आता है लेकिन एक चूजन वन यहाँ पर है दूसरे सेट का, उसने उसकी फैमिली की जान यहाँ पे निकाली थी उसका बदला लेने के लिए। जो भी चूजन वन है ना राइडर उनको सब कुछ देते हैं और ये लोग एक नंबर नीचे कमीने गिरे हुए रहते हैं जो बस अपने बारे में यहाँ पे सोचते हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में नहीं, मुझे अपने बंदे जैसे सीनियर फू और शायद टू जैसे बंदों के बारे में सोचना है, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा इनको सपोर्ट करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।